सिलसिला ना होता चा। अगर पैदा ना होता वो मसीहा तो ये सब खुशियों का सिलसिला ना होता जो आप अभी यहाँ देख रहे हैं। कैमरा चल रहा है और अपने अपने घर जाके YouTube पर देख लेना, आप लोग पहुंच चुके होंगे। अभी चल रहा लाइव। अब मत बताओ, अगर हमें बताओ जी कथा ना सुने। आप लोग सर्च करके अभी भी देख सकते हैं रजनी बहुत लाइव चैनल, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और दूसरा चैनल है प्रदीप फोटो स्टूडियो राधा रमन और मैनपुरी। इन दोनों चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब करना है। और कहते हैं कि चाचा जी शेयर करना ना भूलें और उसके बाद कमेंट करके बताना जरूर अगर अच्छा लगे तो। मैंने कहा ना अगर अभी बता दिया तो ये लोग कथा नहीं सुनेंगे। देखिए लाइव चालू। सुनिए तो जिक्र चल रहा था कि पैदा ना होता वो मसीहा तो ये सब खुशियों का सिलसिला ना होता और बेरंग रहती जमीन आसमां का रंग नीला ना होता। अरे ये भारत तो कब का कंगाल हो चुका होता मेरे लोगों। बात अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद देने का काम करेंगे। अरे ये भारत तो कब का कंगाल हो चुका होता मेरे लोगों। अगर इस धरती पर वो भीम जैसा पुत्र पैदा न होता, अगर इस धरती पर भीम जैसा पुत्र पैदा न होता। इन्हीं शब्दों पर बहन अंजलि जी की तरफ से ये 20 राष्ट्रीय मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगर संघर्षों को झेला ना होता तो आज मेरे बाबा साहब को कोई जानता नहीं होता। तीन तीन संतानें जा चुकी थी साहब के पास, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। मैया रमा गांव में गोबर भून के कंडे बनाती थी, उपले बना के सुखा के बाजार में जाके बेचती थी और घर का गुजारा करती थी। बच्चे जब बीमार हो जाते साहब का पत्र आया था
मैया रमा ने बच्चों का इलाज नहीं कराया, लेकिन साहब के लिए पैसे भेज दिए थे। क्योंकि अगर बाबा साहब कहीं पढ़ाई अधूरी छोड़ करके चले आए तो लोग कहेंगे कि इसका विवाह हो गया, इसकी शादी हो गई, इसलिए पत्नी के चक्कर में इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लोग मुझे दोष न दें। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती है। मैं तो कहती हर घर में रमाई पैदा हो। अगर हर घर में मैया रमा और सावित्री पैदा हो जाए तो घर में एक भी बच्चा शिक्षित नहीं रह सकता है। भगवान बुद्ध की।